आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ मखाने की खीर, जो कि बहुत हेल्दी होती है हमारे लिए, डाइट वालों के लिए स्पेशली बनने जा रहा है। बहुत टेस्टी बनाऊंगी, आप इसको पूरी मेकिंग देखिए कैसे इसको बनाते हैं। तो मखाने की खीर बनाने के लिए सबसे पहले हमें मखानों को घी में अच्छे से रोस्ट करना होगा, जिसके लिए मैंने घी को अच्छे से रोस्ट करने के लिए पैन में अभी डाल दिया है। अब मैं इसमें मखानों को फ्राई करूंगी। आप कोई भी घी यहाँ पे ले सकते हैं, मैंने अमूल का काऊ घी लिया है। तो अब मैं मखानों को इसमें डालने जा रही हूँ। मखानों को अच्छे से हमें यहाँ पर फ्राई करना है करारा होने तक। जैसे ही ये मखाने अच्छे से भुन जाएंगे, उसके बाद हम खीर बनाना स्टार्ट करेंगे। ये खीर बहुत टेस्टी लगती है, बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है, हेल्दी होती है। और मखाने के तो वैसे भी बहुत ज्यादा फायदे हैं, आप सभी जानते होंगे कि मखाना हमारी बॉडी के लिए कितना जरूरी है आज की डेट में। तो अब हम मखानों को फ्राई कर रहे हैं, हल्का हल्का इसको हमें रोस्ट करना है। तो अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हो, एकदम अच्छे से मैंने इसको करारा कर दिया है। खीर बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है मिल्क, इसके बिना तो खीर असंभव है। तो इसको मैंने उबालने के लिए रख दिया है। जैसे इसमें उबाल आएगा, अच्छे से पकाएंगे इसको, उसके बाद बाकी के जो भी इन्ग्रीडियंट्स है इसको हम इसमें डालेंगे, ठीक है। तो अब हम इसमें मखाने को डाल देते हैं। थोड़ी ही देर में ये सारे मखाने इसी मिल्क में अब्सॉर्ब हो जाएंगे। उसके बाद हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रहे हैं, जैसे किशमिश, बादाम, काजू और ये नारियल। इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर लेते हैं। तो अब इसमें से धीरे धीरे बहुत अच्छी से खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हो, एकदम थिक ये हो चुकी है। इसमें मैं अपना शुगर ऐड करने जा रही हूँ। चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हो, जितना आपको चाहिए। हमारे घर में चीनी सबको कम पसंद है, तो मैंने अपने अकॉर्डिंग ही इसमें डाला है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हो, एकदम थिक ये हो गई है। तो दोस्तों, मखाने की खीर बनके हो गई है तैयार। अब आप भी इसको बनाकर खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है, हेल्दी होती है। आप भी इसको खाइए और खाकर बताइएगा कैसी लगी। बाकी और अमेजिंग वीडियोस के लिए मुझे लाइक करिए, शेयर करिए, फॉलो करना मत भूलिएगा। आप मुझे बताइएगा जरूर ये खीर आपको कैसी लगी।